इमाम फातिमा इमाम हजरत निजामुद्दीन के पास दरगाह के पास देखती हूँ। ये हजरत यूसुफ फारुक रहते थे, पहले झुग्गी थी वहाँ पर, वो पुलिस ने हमला मार दिया था, झुग्गी को जला दिया था, जब से ही हम लोग यहाँ पर गए थे। रात को धमकी देके कि अगर आप लोग नहीं, अगर झुग्गी खा लोगे तो आप बिल्डोजर चला दिया जाएगा, इसलिए धमकी उनकी देके वो लोग ने झुग्गी में आग लगा दिए थे, पुलिस वाले लोग ने वहाँ से भगा दिया। और जब से हमारा झुग्गी टूटी है ना, हम लोग को कोई दे रहा है ना, कुछ को कुछ कर रहा है, पुलिस वाला आता भगा देता मार दौड़ के। बच्चा लेकर लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, हम लोग को ये नहीं पता। कोई मालिक आता है इनका, कोई बोलते है इनको भगाओ यहाँ से, तो हम पार्क में जाते तो वहाँ पर ही डंडा मार के भगा देते हैं। चांस नहीं कोई, अगर कोई बाहर के कोई आता भी आईपी वगैरह तो यहाँ पे बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। आदमी लोग अपने सामान वामान लेके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से भी दिक्कत होता है, वहाँ से भगाते फिर लोग यहाँ आ जाते। सोनू खान है। हमारी 2015 में झुग्गियाँ टूट गई हैं, जब से हम यहाँ पर रोड पे 7 साल हो गए हैं। सरकार ने बोला था तुम्हारा कुछ होगा गड़बड़ देंगे, तो जब से हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कोई भी इंक्वायरी करने नहीं आया, जब से हम ऐसे रोड पे रहे। मेरे पे ऐसा है कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड तो हमारा झुग्गियों के साथ तोड़ के जला दिया गया है। हमारे सारे आईडी प्रूफ जो होते हैं सब कुछ वहीं पे जल गए, पुलिस वालों ने सब कुछ जला दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। सरकार बोलती है कि ये रेन बसेरा बनाया गया है, इनमें रहो, तो उनमें आईडी मांगते हैं, तो और वैक्सीन का वो टीका मांगते हैं, तो हमारे लगाया नहीं गया, इस वजह से हमारा आधार कार्ड भी नहीं है जिससे हम उनके पास जा सकें, क्योंकि हमारा आधार कार्ड तो सरकार ने खुद जला दिया है। यहाँ पे ऐसी तकलीफ़ें से आते हैं, बारिश आती है तो अपने बच्चों को लेके ऐसे परेशान होते हैं, इधर से उधर भागते हैं, कभी पुलिस वाले भगाते हैं, कोई नेता वेता आता है तो इधर उधर भागते हैं, परेशानी होता है। सामान है हमारा, बच्चों के कपड़े हैं, खाने बनाने का बर्तन है, ये सब लेके हम इधर उधर बच्चों को लेके भागेंगे, अपने सामान लेके भागेंगे, बड़े परेशान होते हैं। आपसे इतनी निवेदन है कि हमारे को एक कहीं पर झुग्गियाँ दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को लेके पढ़ा सकें और पढ़ सकें, उनको एक नई जीवन दान दे सकें।